हेलो दोस्तों, आपसे भी एक बार फिर से स्वागत है मैक्स फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट TRX मोहम्मद अमन। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ विटामिन GM क्रीम के बारे में। तो विटामिन GM क्रीम का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको एक बार इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये क्रीम किस लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इससे कि मतलब इसको लगाने के बाद में कोई परेशानी हो सकती है, ठीक है, और इसको कब तक इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ठीक है, और कौन सी कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, और इसके मतलब जो इसके अंदर मेडिसिन ऐड है वो किस तरीके से हमारी स्किन के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारी खाल के ऊपर काम करती है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में विटामिन GM के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट की जानकारी हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं विटामिन GM क्रीम के बारे में, कि विटामिन GM क्रीम जो है किस लिए इस्तेमाल होती है वो, और कैसे इस्तेमाल करना है इसे, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने शरीर के ऊपर इस क्रीम का, ठीक है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर है, इसकी कीमत क्या है, ठीक है, और ये कितनी सेफ है यूज करने में, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन GM क्रीम को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो विटामिन GM क्रीम को इस्तेमाल आपके अगर कहीं चेहरे पर या फिर पूरी स्किन पर कहीं पे भी आपको खुजली की परेशानी है, या फिर दाद हैं, या फिर हल्की सी इरिटेशन, लाल है स्किन, या फिर इन्फेक्शन है स्किन का, कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर फंगल है या फिर दाद है, उन सब चीज़ों में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन GM का इस्तेमाल आप इन सब चीज़ों में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो विटामिन GM है ये काम किस तरीके से करता है। तो विटामिन GM जो है वो हमारे तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर तीन मेडिसिन ऐड है, आप देख सकते हैं इसके अंदर तीन मेडिसिन है। पहले इसके अंदर मेडिसिन जो ऐड है वो है बैकलो मीथासोन डिप्रो प्रोनेट, ठीक है, दूसरी है इसके अंदर जेंटामाइसिन, और तीसरी है इसमें मिकोनाजोल नाइट्रेट। तो ये तीन कॉम्बिनेशन इसके अंदर ऐड हैं। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन इसके अंदर ऐड है बैक्लोमीथासोन, ये बैक्लोमीथासोन एक प्रकार का स्टेरॉयड है। तो स्टेरॉयड क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है जो कि हमारे स्किन के केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि स्किन के अंदर जितनी भी इचिंग, इरीटेशन, या फिर लालपन, सुरखपन, या फिर दाद, खास खुजली जो होती है, ये उसको उसको केमिकल मैसेंजर को रोक के उसको ठीक कर देता है, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर ऐड है वो है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो ये जितने भी स्किन के अंदर इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, जो उनको ख़त्म कर देता है, उनको किल कर देता है, जिससे कि स्किन की सारी परेशानी, दाद, खास खुजली जो होती है इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से, वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा इसके अंदर है मिकोनाजोल। तो मिकोनाजोल जो है ये आपका एक प्रकार का ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं स्किन के अंदर, ये उनकी जो है DNA को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो होते हैं वो भी किल हो जाते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से दाँत, घास, खुजली जो होती है, स्किन इरीटेशन वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस क्रीम का इस्तेमाल आप दाद, खाज, खुजली, या फिर धब्बे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, काले निशान वगैरह जो होते हैं, उसमें भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पर भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसको आपको केवल बाहरी त्वचा पर इस्तेमाल करना है, यानी कि चेहरे पर, चेहरे से लेकर पूरी बॉडी के किसी भी हिस्से में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रीम आप मतलब आँख में नहीं जाना चाहिए, आँख में इस क्रीम का जाना जो है नुकसान दे सकता है, मुंह के अंदर इस क्रीम का जाना नुकसान दे सकता है, ठीक है। अगर धोखे से आपकी आँख में ये क्रीम चली जाती है तो तुरंत आप ठंडे पानी से अपनी आँखों को धो लें, ताकि आपकी आँखों को नुकसान ना हो इस क्रीम से, ठीक है, क्योंकि ये स्किन के लिए बनाई गई है। आईज़ में अगर ये जाती है, आपकी आँखों में जाती है, तो नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है। तो आँखों से बचा कर इस क्रीम का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथों को सही तरीके से धो लें, और जहाँ पे भी आपको इस क्रीम को लगाना है वो एरिया भी सही से धो लें, उसके बाद में इस क्रीम का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा इससे रिस्पांस मिलेगा, अगर आप इस तरीके से इस क्रीम का
इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात कर लें तो जहाँ आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं वहाँ अगर आपको इरिटेशन, जलन महसूस हो रही है या फिर वहाँ शुरपन आ रहा है तो ये क्रीम आपको स्किन को सूट नहीं कर रही है। तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें इस क्रीम के बारे में कि ये क्रीम आपको सूट क्यों नहीं कर रही है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी स्किन को ये क्रीम सूट नहीं कर रही है। तो अगर आपको ये क्रीम यूज़ करना है तो ये सब चीज़ें आप देख कर ही यूज़ करें। ठीक है, इसकी ये इसकी कंपनी की हम बात कर लें कि ये कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, कौन सी कंपनी द्वारा ये हम तक क्रीम पहुंचाई जा रही है। तो हम इसकी कंपनी देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। ये जो है प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड आप देख सकते हैं, ये इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इसी कंपनी के द्वारा ये हम तक क्रीम पहुँचाई जा रही है। ठीक है, हम इसकी MRP की बात कर लें, इसकी कीमत की, तो ये आपको 32 रुपये 93 पैसे यानी कि करीब 33 रुपये के आसपास ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सी भी परेशानी है, दाद खाज, खुजली या फिर दाने हल्के फुल्के या फिर काले निशान या फिर दाग धब्बे हैं, तब आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आज की इस वीडियो में आपको विटामिन जी एम क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट की जानकारी हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।